वेलकम मिस्टर जितेंद्र मेहता सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गीता मैडम। आप सबको मेरा आवाज आ रहा है तो थम्स करिए। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर तो थम्स करिए। ओके थैंक यू। वेलकम टू ऑल इन जंक्शन मार्केटिंग। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कई लोग आ गए हैं, कई लोग आएंगे, लेकिन एक चीज है, आज का जो सेशन है कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि क्या होगा हमारे बिजनेस का, क्योंकि आज जितने लोग एसोसिएट हैं मेरे हिसाब से शायद ही शायद कोई नया होगा नहीं होगा, मेरे को नहीं पता है आज। लेकिन जितने भी हमारे जंक्शन मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, उनको एक ही चीज अभी सता रही होगी कि आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में डायरेक्ट सेलिंग का क्या होगा, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर। ये सारी शायद छोटी मोटी चीजें माइंड में चल रही हो, शायद शायद नहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि ये चल ही रही हो, लेकिन शायद हो सकता है, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटल पीपल बेस्ड बिजनेस है, लोगों से मिलने का बिजनेस है, लोगों के साथ काम करने का बिजनेस है, तो शायद माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज अगर आपके अंदर है तो थोड़े वक्त के अंदर ये चीज आपके माइंड से निकल जाएगी, क्योंकि आज का सब्जेक्ट ही ऐसा है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, उसके ऊपर आज का सेशन है। जितना भी वक्त लूंगा इतना वादा करता हूं, इतना कोशिश करूंगा कि आपके अंदर आपकी लाइफ को लेके फ्यूचर इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, जंक्शन मार्केटिंग के अंदर, जो आप आज एसोसिएट हो दिल से, आपका फ्यूचर क्या है, शायद आज आपको समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। कई लोग ऐसे होंगे शायद मेरे हिसाब से जो जॉब कर रहे होंगे, कई लोग होंगे आज ये सेशन के अंदर जो बिजनेस कर रहे होंगे, शायद उनको ही नहीं पता होगा कि उनका फ्यूचर जॉब के अंदर क्या है, शायद उनको ही पता नहीं होगा कि बिजनेस के अंदर उनका फ्यूचर क्या है। आज के जो दौर है, आज का जो दौर चल रहा है, पूरी दुनिया का जो दौर चल रहा है, पूरी दुनिया की बात करूंगा क्योंकि वर्ल्ड को कहीं ना कहीं साथ में लेके चलना पड़ेगा, हर एक चीज वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, इकोनॉमी भी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। वैसे डायरेक्ट सेलिंग जो आज बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज वो चल रहा है, तो दुनिया की भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज का जो भी परिस्थिति आज का चल रहा है, कोरोना से लेकर लॉकडाउन जो चल रहा है, कई बिजनेस ऐसे होंगे जो शायद कई बिजनेस ऐसे होंगे, मेरे शब्द को सुन, मैं कई लोगों का चेहरा देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहे हो, तो प्लीज वे आप फोकस करिए, मैं बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, शायद ये टॉपिक से इम्पोर्टेंट आपका कोई काम नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो प्लीज सीरियस, आपके लिए अच्छा होगा। जो आज का जो परिस्थिति चल रहा है ना कोरोना की वजह से, आज का जो मार्केट, आज का ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया बोल रही है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, पैसे के ऊपर, इकोनॉमी मतलब में पैसा ही आता है, तो उसके ऊपर असर हुआ है, पूरी दुनिया बोलती है। क्यों? दो चीजें होगा, जहां बिजनेस आता है ना, कोई भी बिजनेस होगा, बिजनेस शब्द आता है ना, वहां ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आएगा तो वहां पैसा ही आएगा, पैसे के सिवा कुछ नहीं आता, वहां इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, अगर एक महीना, दो महीना लॉकडाउन, तीन महीना लॉकडाउन, जो भी पीरियड चल रहा है दुनिया के अंदर, यहाँ इंडिया के अंदर, जो भी है, हमको गवर्नमेंट को फॉलो करना ही है, लेकिन उसके बाद में जब वो बिजनेस स्टार्टअप के लिए जाएंगे ना, तो उनको सबसे पहले उनको इकोनॉमी चाहिए, पैसा चाहिए, एक बहुत बड़ी चीज है कि पैसा ही चाहिए, वो बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। आप शायद न्यूज के अंदर देख रहे होंगे, कई जॉब ऐसी है, छोटी मोटी,
जो निकल चुकी है लोगों के पास में आज की तारीख में लॉकडाउन खुलने के बाद में, वो जॉब उनके पास नहीं रहने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। ये परिस्थिति मार्केट के अंदर आज की तारीख में है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारा बिजनेस, हमारा डायरेक्ट सेलिंग में किसी को कुछ नुकसान हुआ क्या आज की तारीख? किसी को नहीं। क्यों? ये चीज को समझना, डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है। सबसे पहले ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने कुछ लगाया नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। सिर्फ आपका एक इन्वेस्टमेंट है, तो आपका एक विश्वास है कंपनी के अंदर, आपकी अपलाइन के अंदर आपका विश्वास है, वो विश्वास का इन्वेस्टमेंट आपने किया है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो टाइम जो आपको, जो वेस्ट टाइम था ना, उसको आपने इन्वेस्ट किया है, तो वेस्ट में से कुछ वेस्ट बनने की आपने कोशिश की नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, जंक्शन मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ पर यही परिस्थिति के अंदर दूसरे लोगों का जॉब जा रहा है, दूसरे लोगों का बिजनेस जा रहा है, बिजनेस में क्राइसिस आने वाला है, उनको खड़ा करने का टेंशन आने वाला है। लेकिन डायरेक्ट सेलर जो आज की तारीख में है, जो नेटवर्क मार्केटर है, जो नेटवर्कर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको आज की तारीख में भी मैं बोलता हूँ माइनस में उसकी लाइफ नेटवर्कर की नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसने कुछ लगाया नहीं। लॉकडाउन में वो बिजनेस वाला भी घर पे बैठा है, वो जॉब वाला भी घर पे बैठा है, और नेटवर्कर भी पहले घर पे है। लेकिन आज की तारीख में नेटवर्क से आपने रिलेशन बिल्डअप किया है, याद रखना इस चीज को। जॉब में सिर्फ सिर्फ वो सेठ के साथ रिलेशन बनते हैं, लेकिन नेटवर्क से आपने क्या बनाया? नेटवर्क से आपने लोगों के दिल के अंदर जगह बनाई, और संसार में ये चीज प्रूवन है, जिसके साथ आपके रिलेशन जितने बड़े होंगे ना, उससे आपका व्यवहार अच्छा होता है। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका व्यापार अच्छा होने ही वाला। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप टोटल सेफ हो आज की तारीख में, आज की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात में आते हैं। सबसे पहला जॉब की बात करेंगे। एक दौर था जब जॉब टोटल परमानेंट था, एक बैंक का जॉब ले लो, वो सिक्योर लोग थे। एक दौर था जब जॉब वाले बोलते थे मेरा जॉब सिक्योर है, प्राइवेट जॉब भी था ना, तो एक दौर के अंदर वो सिक्योर थे। लेकिन आज का जो पूरी दुनिया का टाइम या पूरा टाइम जो चल रहा है ना, अनसर्टन चल रहा है, इसके अंदर कुछ भी सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है। उसका रीजन बताता हूं, उसको समझने का, आने वाला दौर कैसा आएगा ना, वो भी इसमें कनेक्टेड करता हूं। दुनिया के अंदर कई जॉब आज की तारीख में इंसान की जगह रोबोटिक ने ले ली है, रोबोट ने ले ली है। इस चीज को समझना है, बहुत गहराई से समझना, आने वाला दौर क्या आने वाला है वो बता रहा हूं। दुनिया के अंदर कई ऐसी जगह है जहां लोग काम करते थे, लोग की जगह पर रोबोट काम कर रहे हैं। मैंने अभी दो दिन पहले टीवी के अंदर न्यूज देखा, दिल्ली के अंदर डॉक्टर जो काम करते हैं ना, उसके अंदर एक मोबाइल से ऑपरेटिंग कर रहे थे, एक रोबोट कहीं ना कहीं वो वर्क करता है। एक चीज को समझना कि टेक्नोलॉजी ने इंसान के प्रोफेशन को चेंज कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान के प्रोफेशन को चेंज कर दिया है। आज कई जॉब खतरे में है। एक एनालिसिस बताओ, एक सर्वे है 2025 से 30 के बीच में, ये याद रखना, 2025 से 30 तक इंडिया के अंदर 30 करोड़ के आसपास जॉब ही रहने वाला है, 30 करोड़, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरा सर्वे है, 30 करोड़ जॉब ही रहने, उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, बहुत बड़ा योगदान देगा। लेकिन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा डायरेक्ट सेलिंग पीपल बेस्ड बिजनेस है, पीपल टू पीपल है, तो उसको कोई रोबोट चेंज नहीं कर पाएगा आने वाले वक्त के अंदर, ये याद रखना ही। हाँ, बिजनेस इजी जाएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर जाएगा, लेकिन इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इंसान रिप्लेस यहाँ पर होने वाला नहीं है, पीपल बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस को कोई खतरा आने वाले वक्त के अंदर नहीं है, इतना बोल सकता हूं। दूसरा चीज है कि बिजनेस के लिए मनी, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। अगर आज की तारीख में भी कोई सोच रहा होगा मेरे को बिजनेस करना है, लॉकडाउन के बाद में नया करने का सोचता हूँ, ये करता हूँ,
उसको सबसे पहले पैसा चाहिए, मूड़ी चाहिए। पैसे के बाद में उसको टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिशनल के अंदर, और टाइम के बाद में उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो 0 होने का चांस 101% आज के समय में है ही है, क्योंकि तो कंपटीशन मार्केट के अंदर बहुत सारी है। लेकिन दुनिया का एकमात्र बिजनेस ऐसा है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री, जहां आपको पैसे का जरूरत नहीं है, मूड़ी का जरूरत नहीं है। याद रखना इस चीज को, आपको पैसे का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको टाइम देना है, सिर्फ टाइम देना है। और टाइम भी कौन सा, आपके पास जो फालतू वक्त निकलता है उसी को आपको इन्वेस्ट करना है, जो टीवी में जाता है, गप्पे में जाता है, वही टाइम डालना है। तो कहने का मतलब, और यहाँ एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, आप आज स्टार्ट करते हो, आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, फिर भी आप अगर ये बिजनेस को आपके अपलाइन के सपोर्ट के साथ में फॉरवर्ड करते हो और आपको इनकम जनरेट होता है, तो आपने एक्सपीरियंस के बगैर आपको वो चेक मिलेगा कंपनी से। तो आपको यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ एक ही चीज चाहिए, आपको करने का साहस चाहिए, विश्वास चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, क्या करना है, चाहत चाहिए। आगे जाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में, कि एजुकेशन, हम लोग हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा और अच्छा छोकरी भी मिलेगा, ये भी डायलॉग कहीं सुना है। बस नौकरी की बात करेंगे, आज की तारीख में लाखों इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, लाखों डॉक्टर भी निकल रहे हैं, कई बड़ी एमबीए निकल रहे हैं, लाखों की संख्या के अंदर निकल रहे हैं। एजुकेशन लेके लोग निकल रहे हैं, लेकिन उनके पास में जॉब नहीं है, इस चीज को याद रखना, जॉब नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा डायरेक्ट सेलिंग का और एक एजुकेशन का एग्जांपल दूंगा। एक डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक इंसान को अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो कम से कम 25 साल तो वो पढ़ाई करेगा, मेरे हिसाब से 12वीं तक पढ़ेगा, 6 साल वो एमबीबीएस का शायद आसपास टाइम होगा तो वो खत्म करेगा, 5-6 साल उसके बीच में भी कुछ करेगा, 25 साल वो पढ़ाई करेगा। 25 साल अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, हम लोग 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, और वो डॉक्टर बनने के बाद में, अभी सुनना, वो डॉक्टर बनने के बाद में कमाना कितना चालू करेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पूरा सर्वे बोलता है 5% लोग 1 से 5 लाख के बीच में डॉक्टर कमाते हैं। पूरी डॉक्टर की आबादी देख लो, गलत शायद नहीं हूं इसके ऊपर, 5% लोग ऐसे हैं मैक्सिमम जो 1 से 5 लाख के बीच में कमाते हैं। दूसरा बोलता हूं आपको, क्या ये डॉक्टर बनने के बाद में क्या वो लोग चैरिटी करेंगे? चैरिटी करेंगे? नहीं करने वाले, चैरिटी के लिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे लाखों रुपए का खर्चा किया, तो वो लाखों रुपया वसूल करने के लिए वो लोग डॉक्टर बनते हैं। शायद माफ करना कोई डॉक्टर हो तो, माफ करना कोई डॉक्टर हो तो, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग और एजुकेशन का डिफरेंस बता रहा हूं। वो मैक्सिमम 5% लोग 1 से 5 लाख के बीच में जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ इससे ऊपर भी कमाने वाले लोग हैं, लेकिन 1% मान बोलेंगे ना, 1% लोग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, जनरल मार्केटिंग की बात करता हूं दोस्तों, आज की तारीख में इतना साल, 25 साल एजुकेशन लेने के बाद में आपका बच्चा अगर एमबीबीएस डॉक्टर भी बनता है तो 5 साल 5 लाख से ज्यादा नहीं कमाएगा। लेकिन वादा करता हूं, जंक्शन मार्केटिंग अगर 3 साल कर लिया, 3 साल जिम्मेदारी से, सिस्टम से कर लिया, आपका बच्चा कम से कम 10 लाख प्लस कमाएगा जंक्शन मार्केटिंग, ये वादा करता हूं। लेकिन वो 3 साल आपके बच्चे को, आप 3 साल पालोगे, 25 साल आप पालोगे, 25 साल तक पढ़ाओगे, उसके खाने पीने सब का खर्चा करोगे, उसके बाद में वो कमा के देगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, जंक्शन मार्केटिंग ऐसा है, जिंदगी का 3 साल अगर डेडिकेशन से दिया आपने, तो आपको शायद वो 25 साल का इंतजार शायद आपको नहीं करना, ये वादा करता हूं यहां। लेकिन वो 3 साल चाहिए, 3 साल चाहिए।
ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो देगा। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आप लोग सोच रहे, पढ़ाई गलत नहीं है, पढ़ाई के विरुद्ध में मैं आज भी नहीं हूं, एजुकेशन कराना ही पड़ेगा और कराना ही चाहिए, मैं मेरे बच्चे को भी करा रहा हूं, लेकिन उससे क्या होगा वो आपको बताया, डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या दे सकता है वो मैंने बताया, फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है। आगे जाएंगे हम लोग, कहीं ना कहीं दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती है रॉबर्ट कियोसाकी, आपने नाम सुना ही होगा रॉबर्ट कियोसाकी का, मेरे स्क्रीन पे कुछ आ रहा है? मेरा आवाज हेलो सीजे चौहान, शेयरिंग बंद करो। हाँ, ये चौहान कौन है? सीजेसी चौहान, स्टॉप शेयरिंग। ओके, स्क्रीन शेयर की है किसी ने? ओके ओके जीतू सर, स्टार्ट। ओके थैंक यू। रॉबर्ट कियोसाकी, आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट कियोसाकी का, बहुत ही बड़ा इंसान है वर्ल्ड के अंदर, इकोनॉमी के अंदर उसका नाम जाना जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। उसने 2000 में एक प्रेडिक्ट किया था कि 2007-8 में, इस चीज को समझना, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा 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 खुद का नहीं है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, जो देखा है उसके ऊपर बोल रहा हूं। 2000 के अंदर एक एनालिसिस करके उसने प्रेडिक्ट किया था, 2007-8 में बहुत बड़ा मंदी आने वाला है वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, एक बिजनेस इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा मंदी आने वाला। तो आया 2008 के अंदर, उसी ने एक दूसरी चीज प्रिडिक्ट की थी 2018 से लेके 2035 तक दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, इस चीज को याद रखना। लेकिन दूसरी चीज बोलता हूं, क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, इस चीज को भी समझना है। दूसरी चीज, ये चीज किस पे इफेक्ट नहीं करेगी, जो इंसान इसके लिए तैयार होगा, दूसरी चीज उसने बोली है, जो इंसान इसके लिए तैयार होगा, तैयार मतलब में खुद को डेवलप करेगा अपने प्रोफेशन के रिलेटेड, उसको ये फाइनेंशियल क्राइसिस में से वो इंसान निकल सकता है, दूसरी लाइन उसने ये बोली है। और ये मैं नहीं बोलता हूं, रॉबर्ट कियोसाकी आप मार लेना गूगल के अंदर, आपको पता चल जाएगा। तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, हमें जंक्शन मार्केटिंग, इंसान को सेल्फ डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्री आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने का मौका देती है। दुनिया की ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे इंसान पब्लिक स्पीकिंग सीख सके, दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर कम्युनिकेशन सीख सके, दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे रिलेशन बिल्डअप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में आप कर सको, दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है आपको जहां सिखाया जाए कि आपको ड्रेस कोड कैसा रखना है, बहुत आप दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आपका माइंड को, आपके माइंड को डेवलप किया, आपकी सोच को बड़ी की जाए, ऐसा दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से ब्यूटीफुल इंडस्ट्री मैं दुनिया में कहीं नहीं देख रहा हूं आने वाले वक्त के अंदर, क्यों? क्योंकि दो चीज है, आपको अगर आपके पास में पैसा नहीं है बिजनेस करना है तो आप वो बिजनेस नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज है, अगर आप दुनिया के अंदर कोई एजुकेशन नहीं ले पाता है तो वो दुनिया के अंदर ये बिजनेस कर सकता है। ये दो तीन चीजें है जो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊपर तक रखती है सब चीजों से। तो फ्यूचर में ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा योगदान देने वाला है सब लोगों के अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। दूसरा एक चीज बोलता हूं, 2010 में एक सर्वे हुआ था, 2010 के अंदर, उसके अंदर एक चीज बताई गई थी दुनिया के अंदर, इस चीज को समझना और सुनना, दुनिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट एनी कैटेगरी प्रोडक्ट बिकता है, उसमें से 40-50% प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी से बिकते हैं। वापस रिपीट करता हूं, 2010 में मैकेंजी में एक सर्वे है, मैकेंजी पे
दुनिया के अंदर 40-50% प्रोडक्ट खाली ना खाली आपके माउथ पीपल के माउथ पब्लिसिटी से दिखते हैं। तो आप सोचो, आप लोग जो बिजनेस के अंदर हो वो पूरा आपका माउथ पब्लिसिटी पे है। माउथ पब्लिसिटी, आप नॉलेज को आप बांट रहे हो, आप प्रोडक्ट को बांट रहे हो माउथ से, प्रमोशन कर रहे हो। कहने का मतलब, तो कहने का एक मतलब है कि हम वो बिजनेस के अंदर हैं जहां दुनिया में लोगों ने अरबों खरबों रुपया कमाया है माउथ पब्लिसिटी से। तो आप लोग भी कमा सकते हो जंक्शन मार्केटिंग के अंदर करोड़ों रुपया माउथ पब्लिसिटी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 2010 का सर्वे है। तो सोचो डायरेक्ट सेलिंग कहां जाने वाला है, सोचो। दूसरा चीज बताऊंगा, एक और टॉपिक पे आता हूं। दुनिया के अंदर मैंने जहां तक पढ़ा है एक बुक के अंदर, कोई भी काम आपको सही समय पर अगर आप करते हो, कोई भी काम, एंट्री बोल रहा हूं अभी, कोई भी काम आप अगर सही समय पर आप करते हो तो आप बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, एक टाइम था इंश्योरेंस का दौर चल रहा था। माफ करना कोई इंश्योरेंस वाला हो तो, एक दौर था आईटी युग का, एक टाइम पर आईटी युग का दौर चल रहा था, बराबर है। और एक दौर था प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर भी आप देखा होगा एक दौर चल रहा है जहां एक रुपए का लोगों ने 100 रुपया भी दिया है और एक रुपए का लोगों ने 100 रुपया भी कमाया। तो ये दौर जो बोला ना मैंने, आईटी का बोला, इंश्योरेंस का बोला, ये सारे दौर कहीं ना कहीं थे। एक एक दायका बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग की बात बोलूंगा, 1996 से इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज की तारीख में जो दौर चला है, टोटल बोले तो 24 साल के आसपास का दौर आप गिन सकते हो। 2016 की बच्चा 18 साल की उम्र में बड़ा होता है, तब तक शायद माँ बाप भी ध्यान नहीं देते इस चीज को, अब समझना, तब तक शायद माँ बाप भी नहीं सोचते इसकी शादी करना। हमारी गवर्नमेंट ने भी आज तक डायरेक्ट सेलिंग जब तक बड़ा नहीं हुआ ना, दो हजार सोलह तक गाइडलाइन नहीं लाई। 2016 के बाद में जो गाइडलाइन आई है ना, उसके बाद में जो बिजनेस जो मूव करने वाला है ना, वो बहुत बड़ा आने वाले वक्त में करने वाला है। और हम बहुत बड़ा नाम जंक्शन मार्केटिंग का हिंदुस्तान के अंदर करने के लिए आए हैं और हम साथ में मिलकर ये चीज को करेंगे। लेकिन याद रखना, अब 2016 जो चल रहा है ना, अभी से आप समझ लो 16 से 20 आया है, अब ये डायरेक्ट सेलिंग का दौर आने वाला है। उसका आंकड़ा भी मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड पे कैसे इकोनॉमिक पे ये चलता है। और आपके बाद में तीन दौर आपको बताया, आईटी का बताया, इंश्योरेंस का बताया आपको मैंने, बराबर है। तो आपका दौर आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग धूम करने वाला है, याद रखना इस चीज, बराबर है। क्यों, वो भी आपको बताता हूं। सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना डेटा, एक वर्ल्ड लेवल पे डेटा बोलता हूं, एक संस्था है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक संस्था अमेरिका से 40 साल से काम कर रही है, याद रखना 40 साल से एक संस्था, आज की 40-42 साल से वो संस्था काम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। 2017 का एक सर्वे है, 13 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस ऑल वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का हुआ था, 13 लाख करोड़ रुपया। उस
में से अमेरिका में 2 लाख करोड़ का बिजनेस किया था, ऐसा कुछ है मेरे पास जानकारी, और इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस रहा था। हमारा पॉपुलेशन 132 करोड़ आज की तारीख में है, अमेरिका का इतना नहीं है, दुनिया के सारे देशों का इतना नहीं है, और हमारा पूरा बिजनेस पीपल पे पीपल बेस है, तो हमारे पास में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर पीपल है, तो हमारा आने वाले वक्त के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि खाली ना खाली 10,000 करोड़ का बिजनेस अभी तक हुआ है, समझो 0.1% लोग भी आज की तारीख में एसोसिएट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो सोचो ये बिजनेस कहां जा सकता है माउथ पब्लिसिटी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 96 के अंदर 2 कंपनी इंडिया के अंदर चल रही थी, पहला कंपनी कहीं ना कहीं आया था, नाम बोल लूंगा, सॉरी टू वे, मोदी केयर और एमवे, 2 उस टाइम पे चलती थी। आज की तारीख में सोचो हजारों कंपनियां है, उसका मतलब है बिजनेस बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग बड़ा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा हुआ है। तो सोचो आप आज की तारीख में जिस प्रोफेशन के अंदर है, कई लोगों को अंदर से लगता है कि ये कैसा बिजनेस है, मेंबर बनाने का धंधा, 2 लोगों को कैसे लाऊं, लोगों की दाढ़ी में कैसे हाथ बोलूं, 2-4 बात बोलना पड़ता है कहीं ना कहीं, लोगों को अवेयर नहीं है तो अवेयर देना पड़ता है, ऐसा लोगों के माइंड में होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ये बिजनेस को छोटा समझते हैं उनको एक मैसेज है, ये बिजनेस आपकी जॉब से बड़ा है, ये बिजनेस आपके बिजनेस से बड़ा है, आपके बिजनेस के अंदर लिमिटेशन हो सकता है, शायद आपकी जॉब के अंदर अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपया है तो शायद आपका बॉस आपको 1 लाख रुपया छोड़ के 1 रुपया भी ऊपर आपको ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन ये बिजनेस आपको आप चाहो उतना बड़ा चेक आपके हाथों से लिख सकते हो, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जंक्शन मार्केटिंग के अंदर। और हमारा प्लान ऐसा है कम से कम 10 लाख रुपया, कम से कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा आप कमा सकते हो, कम से कम 10 लाख रुपया आपका इनकम यहाँ से हो सकता है जंक्शन मार्केटिंग। फ्यूचर बहुत बड़ा है। तो एक ही चीज बोलूंगा, वापस रिपीट करूंगा, आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो ना, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा समंदर है, आपको क्या वो समुद्र नहीं चाहिए, वो चीज आप लोग डिसाइड करो, आज बैठ के आपके गोल डिसाइड करो। दूसरा एक सर्वे फिक्की और केपीएमजी का हुआ था, उसके अंदर इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का वॉल्यूम 2025 तक 65,000 करोड़ के आसपास का जाने का अनुमान है। 65 करोड़ जो आज 10-12 हजार करोड़ का चल रहा है, वो 2025 तक 65,000 करोड़ का होने का अनुमान है। और उसमें से भी 60% अगर कंट्रीब्यूट रहेगा उसके अंदर, तो वुमन लोगों का रहेगा, लेडीजों का रहेगा, ये पूरी दुनिया बोलती है, मैं नहीं बोलता हूं। तो लेडीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये सर्वे के अंदर। दूसरा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री से, ये नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग हमारे देश को कैसे एम्पावर करते हैं, इस चीज को समझने का जरूरत है, ये हमारे देश को कैसे एम्पावर करते हैं वो चीज समझने का जरूरत है। क्योंकि मैं बोलता हूँ नेशन फर्स्ट। अगर आप 2-3 चीजें होती है, अगर आप ऐसा काम करो जिससे समाज को फायदा हो, देश को फायदा हो ना, तो वो काम सबसे पहले करना चाहिए, वो बिजनेस सबसे पहले करना चाहिए। और हमारा बिजनेस समाज को और देश को कनेक्ट करता है, कैसे? क्योंकि हमारा देश मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और वुमन एम्पावरमेंट पे वर्क करता है। और हमारा बिजनेस वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर पूरा वर्क कर रहा है। आज की तारीख में भी हमारी कंपनी जंक्शन मार्केटिंग के अंदर शायद 70% आज लेडीज लीडर होगी, 70-70%। तो वुमन एम्पावरमेंट पे जंक्शन मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और आगे जाके भी वो करने ही वाला है। दूसरा चीज दोस्तों, आपने देखा होगा नोटबंदी, कई लोगों को तकलीफ भी हुई होगी नोटबंदी के अंदर। नोटबंदी क्यों की गई, उसका सबसे बड़ा रीजन था ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं बाहर लाना। तो दोस्तों हमारा बिजनेस
सोचो हमारा बिजनेस, अगर आप 50 रुपए का एक साबु भी बेचते हो ना तो कंपनी उस पे पूरा टैक्स भरती है। इस चीज को समझना, अगर आप 50 रुपए का साबु भी बेचते हो तो पूरा परचेस करने पे भी टैक्स कंपनी भरती है और आपको सेल करने पर भी कहीं ना कहीं उसका टैक्स भरा जाता है। आपको इनकम जनरेट होता है ना, वहां पर भी कंपनी टीडीएस काटती है, बराबर टीडीएस भरती है। तो सोचो गवर्नमेंट को टोटल, ये इंडस्ट्री पूरा व्हाइट इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग पूरा व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री है। जितना भी पैसा आपके पास आता है वो टोटल बैंक में आता है, कोई आपको इनकम कैश में नहीं देते हैं। समझो इस चीज को कि हम पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कैसे न कैसे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचो आज अगर 0.1% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है तो यहाँ पर जा सकते, तो आने वाले वक्त में अगर अगर हम वो लेवल पे जाएंगे जो बाहर की देश है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं। ये बिजनेस का पावर है, लोग आइलैंड प्लेन वगैरह लेते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा मत समझना। और लास्ट में एक ही चीज है आपको बोलना चाहूंगा कि जंक्चर मार्केटिंग की बात करूंगा। जंक्चर मार्केटिंग की बात कितन सर निकल गए? हेलो, आवाज आ रहा है? सर, है सर। हाँ, आवाज आवाज आवाज। ओके, थैंक यू। मैं जंक्चर मार्केटिंग की बात करूंगा कहीं ना कहीं। आज एक साल की कंपनी है, समझ लेना, एक साल की कंपनी है खाली। वहां पर आप लोगों ने जो भी वक्त बिताया, जो भी एजुकेशन लिया, जो भी रिलेशन बनाए, जो भी अचीवमेंट किया, जो भी इनकम किया, जो भी आपका सोच डेवलप हुआ, जो भी आपका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, जो भी आपका माइंड स्ट्रांग हुआ, जो भी आपको परिस्थिति को कैसे, परिस्थिति के हिसाब से कैसे ढालना है वो सीखा हो, ये सारी चीजें अगर एक साल के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ पाया है, 6 महीने के अंदर कुछ पाया है, 2 महीने के अंदर एक भी प्लस पॉइंट आपके अंदर आया है, तो याद करो अगर आप 3 से 5 साल जंक्चर मार्केटिंग को देते हो, उसकी रॉयल एजुकेशन सिस्टम को देते हो, एक सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करते हो, तो आप लोग कहां जा सकते हो, इस चीज को सोचो। कंपनी तो आज भी वापस रिपीट करता हूं, कंपनी जंक्चर मार्केटिंग 101% 2021 में मैंने बोला है ये गुजरात की नंबर 1 कंपनी रहेगी रहेगी रहेगी, तो रहने ही वाली है और बनने ही वाली है। ये ब्रह्म सत्य आज भी बोल रहा हूं क्योंकि तो मैं जानता हूं आज जो है वो कल नहीं है और कल है वो आज नहीं है। मतलब है आज कोई भी परिस्थिति है, अगर आपका गोल क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपके अंदर मस्तिष्क में आप उतार चुके हो, तो दुनिया की कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती है। तो मैनेजमेंट की बात बोलूंगा केतन सर, और हमारा पूरा माइंड क्लियर है आज की तारीख में कि ये कंपनी को टॉप पे ले जाना है तो ले जाना है कोई भी परिस्थिति के अंदर। जंक्चर मार्केटिंग 2021 में गुजरात का नंबर 1 कंपनी, खाली बोलने पे नहीं, ऑन अकाउंट होगा, ये वादा मैं करता हूं आप। तो आप चिंता मत करिए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है, खाली आप अपने ऊपर काम करिए, आपको डेवलप करिए, सिस्टम में आइए, आपकी अपलाइन जो बोलती है वो करिए, ये इंडस्ट्री का टेंशन मत लीजिए, आपका जॉब जा सकता है, ये डायरेक्ट सेलिंग का कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में, मैं खाली 5 प्रोडक्ट की बात बोलता हूं आज की सिचुएशन के अंदर, आपके माइंड को आज की परिस्थिति के हिसाब से काम के अंदर डालना की कोशिश करना।
आप पुराने हो और आप बोलोगे कि आज की तारीख में वही हिसाब से वर्क करूंगा तो शायद नहीं हो पाएगा। अपनी मानसिकता को चेंज करना, आपकी कार्य प्रणाली को चेंज करने का कोशिश करने का फ्यूचर के अंदर, समझ लो। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद में शायद लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोरोना की वजह से लोगों के अंदर डर होगा, हमारे अंदर डर होगा कि हमको कोरोना हो जाएगा, दूसरों को हो जाएगा, ये सारी चीजें माइंड में सवाल जवाब होगा। भूल जाओ, दो चीज गवर्नमेंट बोलती है वो चीज को करो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज, तीन चीजें के ऊपर काम करो। हमारा 5 प्रोडक्ट उसको प्रमोट करो। कैसे? सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? हाथ धोने के लिए साबुन चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, सही बात है ना? तो ये हमारा सॉप है, तो हैंड सैनिटाइज इससे सबसे होता है। बॉडी सैनिटाइज, बॉडी वॉश से होता है, हमारा लेमन और जिंजर का जो कॉम्बिनेशन है, मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट ये हुआ बॉडी वॉश। तीसरा प्रोडक्ट आपको बोलता हूं वेजिटेबल वॉश। आज के लोगों के अंदर डर, आप लोग खुद सब्जी लाकर अगर कहीं एक बाल्टी के अंदर डाल के आप सोडा डालते हो, खाने का सोडा डालते हो, नींबू नीचोते हो, तो समझ लो ये कितना डर है सब्जी के अंदर के कोरोना हमारे अंदर, हमारी फैमिली के अंदर नहीं आए तो क्या लोगों को डर नहीं है? लोगों को भी डर है। अपना वेजिटेबल वॉश को वो लेवल से प्रमोट करो, आपका अंदर से आवाज ऐसा आना चाहिए कि साला वो एक मांगता हो तो 5 मांगे कि मेरी वाइफ को भी दूंगा, मेरी बहन को भी दूंगा, मेरे भाई को भी दूंगा और मेरे ससुराल भी भेजूंगा। 5 एक मांगता है ना तो 5 मांगना चाहिए, वैसा डर लोगों के अंदर है आज की तारीख में। लेकिन आप क्या माउथ पब्लिसिटी करोगे उस चीज का तो होगा। बॉडी को अंदर से सैनिटाइज करना है। नॉनी, राकेश सर बोलते हैं धोनी क्रिकेट के अंदर, जैसे हमारे प्रोडक्ट के अंदर नॉनी, तो नॉनी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और आज पूरे डॉक्टर लॉबी देख लोगे, कोई भी मीडिया के अंदर देख लो, कोरोना से बचने के लिए आपको आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास में कहीं ना कहीं नॉनी है, और आने वाला प्रोडक्ट जो हमारा है सिबक्टॉन विटामिन सी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप लोग प्रमोट करो। और सेकंड है, मेरे ऊपर बाल नहीं है, अभी निकाल दिए सारे, बोले बोले, लेकिन ये बाल को भी सैनिटाइज करना पड़ता है, उसके लिए हमारा शैम्पू विथ कंडीशनर है। ये 5 प्रोडक्ट जो है ना, वो 5 प्रोडक्ट को आप प्रॉपर वे में 6 प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ना, उससे आप लोग बिल्कुल फ्री नहीं होने वाले हो। लेकिन आपका अंदर से प्रमोशन कैसा जाएगा, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, सामने वाले के अंदर आप कैसे इंस्टॉलिंग करते हो, उसके ऊपर आपका बिजनेस आएगा। तो ये चीजों के ऊपर, खुद के ऊपर वर्क करिए ये चीजों के ऊपर। तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया मेरे हिसाब से आज का, तो एक ही चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, आज की परिस्थिति को माइंड में मत हावी होने देना। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है, अभी भी वापस बोल रहा हूं, बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तो आप जो देख रहे हो ना वो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, बराबर है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आज आपने बहुत ही अच्छा कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू, थैंक्स टू मैनेजमेंट, केतन सर, थैंक यू, हैंड ओवर, थैंक यू।